कर संतन की भैनों गज के विदो तुसे भी नाल नाल बेनती करो गुरु जी के चरणा च कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे कर संतन की उत्तम मंग जे ये बड़ी वड्डी मंग जे अंतर जामी पुरख बेदाते अंतर जामी पुरख बेदाते अंतर जामी पुरख बेदाते अंतर जामी पुरख बेदाते शरदा मन की पूरे शरदा मन की पूरे शरदा मन की पूरे शरदा मन की पूरे नानक दास ए सुख मांगे नानक दास ए सुख मांगे गज के नानक दास ए सुख मांगे नानक दास ए सुख मांगे कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे कर संतन की तूरे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बधाते शरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मौको कर संतन की धूरे पौ बिंदी धरती ते सुरतियां लै जाओ जी उत्थे जिथे बाबा जी का जन्म होया उत्थे गुरमुख परिवार रहिंदा जी भाई भगता जी ते इन्हां दे घरों नाम आया जी साडे बाबा जी दे माता जी दा माता जीवनी जी ये भाई भगता जी नाम भी भाई भगता है जिंदगी च गुरमुखो काम भी भगतां वाले ने माता जीवनी जी भाई भगता जी ने कोई भी पिंड विच आ जाना गुरमुखो लोड़वंद आ जाना उहदी मदद करनी कोई गुरमुख आ जाना रब दा प्यारा प्रसादे बणिया उहदी सेवा करनी बहुत ही मिठ बोलना सुभा सी पर व्याह नूं काफी समा हो गया अजे तक घर विच कोई बूटा नहीं लगा हुण ध्यान दिओ भैणो मैनूं इस गल दा पता जिन्नी भी संगत बैठी है इधर गुरमुख इधर भैणा सारे ही धन धन बाबा दीप सिंह दे चरणां नाल अथाह प्यार करदे ने तकड़िए वी क्यों ना साडे बाबा जी एडे दयालू ने अकिरत घणा दीआं वी झोलियां भर दिंदे ने गुरमुखां दीआं झोलियां ते भरनियां ही भरनियां ने पर गुरमुखो मैनू ये विश्वास है दावा है गुरमुखो बाबा दीप सिंह जी एडे दयालू जे अकिरत घणा दीआं वी झोलियां भरदे जे लिखा लो मेरे को गुरमुखो अकिरत घणा दीआं वी कहिंदे विआह नूं काफी समा होया घर च बूटा नहीं लगा
लगभग 15 साल विआह नूं हो गए। 15 साल भाई भगता जी ते माता जी जी दे। फिर वो समा बनिया गुरमुख बाबा जी दे धरती ते आउंदा। अरदासां बेनतियां कीतियां, वो समा बनिया धरती ते आउंदा, पौ बिनती धरती। कहिंदे जदों समा बनिया माता जीवनी जी कमरे दे अंदर ने, इधरों दाई आई, बाहर भाई भगता जी खलोते ने, कुछ होर रिश्तेदार खलोते ने। उदों तुहानूं पता दाइयां दा समा हुंदा सी, अज वी शायद किते किते होवे। पुराना समा सी दाइयां दा, इदां हस्पताल नहीं हुंदे सन उदों, डाक्टर नहीं। ओह दाइयां दा समा सी, दाई आई जी, ओह दाई अंदर गई, कुछ समय बाद आई आई दाई। पता की कहती बाहर आके, कहती भाई भगतिया जो लफ्ज गुरमुख लिखे ने, कहती भाई भगतिया ओ भाई भगतिया वधाई होवे तेरे घर पुत्र होया। गज के आखो सतनाम। गुरमुखो जदों बाबा जी का जन्म होया ना, हर पासों एक आवाज आई, जिवें गुरमुखो पौ बिनती गलियां भी ये गा रही हो, पौ बिनती धरती भी ये गा रही हो, पौ बिनती दरख्त भी गुरमुख ये गा। गुरबाणी दी पंक्तियां, वो कहड़ियां पंक्तियां दास दा चेता, तुसीं भी सारे बाबा जी दे प्यार च पढ़ो। गुरमुखो बाबा जी बड़ियां खुशियां दिंदे ने, पढ़ो प्रेम दे नाल। कहड़ियां पंक्तियां ने, की आवाज हर पासे आई जी, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, पर उपकारी आए। बोलो बाबे ने प्रेम च, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, जन्म मरण तो मैं नाही, जन्म मरण तो मैं नाही, गज के तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, जन्म मरण दो मैं नाही, जन्म मरण दो मैं नाही, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, पर उपकारी आए जन, पर उपकारी आए, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए। बाबा जी का जन्म होया जी, अजे बाबा जी कुछ क दिनों दे होए ने, जदों गुरमुखो ये सीन चले ना अखा दे अगे वो रील चले, कहिंदे कुछ क दिनों दे होए बाबा जी। माता जीवनी जी ने धुप्पे बैठ जाना, सर्दियां का मौसम सी, तुहानूं पता जनवरी के महीने बाबा जी का आगमन होया 1682 दे विच, धुप्पे बैठ जाना जी, ते बाबा जी ने गोद विच बिठा लेना, ते माता की जपदी सी गोद बिठा के, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। गुरमुखो तुसी भी ये गुरमुख मामा दी निशानी हुंदी है। वाहेगुरु गुरु मंत्र जाप करना, मूल मंत्र जाप करना, गुरबाणी पढ़नी। इस तो अगे आ जी, अजे बाबा जी ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, तो माता जी ने पता की सिखाया। सब तो पहला माता जी ने चौंकड़ा मार लेना, आप कोल
कुछ क महीने की उम्र अजे साल की उम्र भी नहीं हुई अजे बाबा जी ने बिठा लेना नाम रखा सी दीप तलाड़ना सारे कहते सन दीपा नाम दीप रखा सी कहते अपने पुत्र दीप नूं कोल बिठा लेना तो पिछे अपना हथ रख लेना तुसीं वेख्या ना कई बार मावा बच्चा छोटा होवे ना बिठा के ना हथ पिछे रख दे कि बच्चा डिग ना पवे हथ पिछे रख लेना तो बड़े प्रेम नाल पता की आखना पुत्र पुत्र बोल की वाहेगुरु 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 ये गुरमुख मामा आसीसां दिंदियां ने उस तो बाद थोड़ा होर उम्र तो बाबा जी दी माता जी ने बाबा जी ने मूल मंत्र जप सिखाया अगे आ जाओ जी कहिंदे बाबा जी कुछ साल दे हो गए जदों माता जी ने किथे लैके आना अपने पुत्र दीप नूं उंगल दे नाल ला के ला लेना हुंदे आउंदे जी उंगल दे नाल ला लेना मां पृथ्वी पहुंच चुके ने तूं कुत्ते आंदे हो उसे टकसाल दे विचों गुरमुखो बख्शिशां लैके महापुरख पहुंचे ने आओ पहला जी आया नूं जगाड़े दी महापुरखां नूं रखिए बोले सुनहाल उंगल ना ला लेना किथे लैके जाना जी डिठे सबे थाम नहीं तुद जिहिया माता जी ने आप ही इशनान करना अपने पुत्र दीप नूं भी इशनान कराउणा बैठ के कीर्तन सुनना ते जदों वापस आउण लगना ना मां ने गद पल्ला पा लेना जी गद पल्ला पा के पता की अरदास करनी हे धन गुरु रामदास जी आप जी दा लख लख शुकराना है हुंदे आंदे हो हे धन गुरु रामदास जी आप जी दा लख लख शुकराना है कि आप जी ने अपने पवित्र अस्थान दे दर्शन दिदारे इशनान बख्शे महाराज तुहाडे चरणां दी इक बेनती है वेखो दुनियावी मां भी अरदास करदी पता की अरदास करदी है हे मालिक जी मेरे पुत्र दी उम्र लंबी लंबी होवे हे मालिक जी मेरे पुत्र दा कारोबार वध तों वध चले हे मालिक जी हे सतगुरु जी मेरे पुत्र नूं नौकरी वधिया मिल जावे पर वेखो इक दुनियावी मां ते इक गुरमुख मां जदों अरदास करदी है ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀਪੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ऐसी प्रीति वो मां दी अरदासां जी दस मप्ती वाला वे जी 18 साल दी उम्र च सतगुरु दे चरणां च पहुंचे जी उत्थों सतगुरु दे हत्थों अमृत छकिया उत्थे शस्त्र विद्या शस्त्र ते शास्त्र दा समेल हो गया जी घोड़सवारी नेजा होर कई भाषावां सिखियां मेरे बाबा जी ने उत्थे रह के सवेरे शाम नितनेम डट के नितनेम करना जी अनेक सेवावां करनियां इस तो अलावा जो बाबा जी दा नेम सी इक गुरमुखो ये नेम दी बेनती करके दस माफी करेगा जी वो की नेम सी जिथे बाबा जी गुरमुख अमृत वेले जागया करदे सन घोड़ सवारी शस्त्र विद्या शास्त्र तो बाद धार्मिक विद्या शास्त्र विद्या नेजा अरबी फारसी उत्थे बाबा जी दा की नेम सी गुरमुखो बाबा जी गुरु घर दे लंगरां च लंगर बनाउण दी सेवा करिया करदे सन लंगर बनाउण दी सेवा करिया करदे सन उस तो बाद की करना लंगर वरताउण दी सेवा करनी अगली गल सुन के तुहाडे हत्थ जुड़जणगे सी झुक जाएगा ओ धन बाबा दीप सिंह जी अज कोई जथेदार बन जावे ना कुछ उच्चे ओहदे ते पहुंच जावे कहिंदा मेरा काम लंगरां दी सेवा करनी नहीं पर धन बाबा दीप जी तुहाडे तो बलिहारे जाइए सदके जाइए एवें नहीं अज बाबा दीप सिंह अकिरत घड़ा दी झोलियां भरदे वेखे नेम सुने बाबा जी दा सेवा दा नेम लंगर बनाउणा लंगर वरताउणा उस तो बाद की करया कर सन संगत दे झूठे बर्तनां दी बाबा जी आप करया करदे सन गज के आखो सतनाम
संगत झूठे बर्तनों की आप सेवा करते सन। कहते एक दिन बाबा जी बर्तना की सेवा पे करते ने, बस एक गल कह समाप्ति जी बर्तना की सेवा पे करते सन। तो कहते एक वड्डा जिहा बाटा बाबा जी के हाथ में आ गया। धन बाबा दीप सिंह के हाथ च वड्डा बाटा एक आ गया। कहते हुण बाटे नूं मांझन, तुहानूं पता भैणो तुसीं सियाणी है जे जदों भांडे नूं मांझीए ना उदों समां सी रीत नाल सवाह ना। जदों भांडा मांझीए भांडा चमकद रहत, कई वार भांडे चों अपनी तस्वीर नजर आउंदी। फिर ਉਹ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੰਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣੋ ਦਿਲ ਕਾ ਰਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆ ਮਾਂਜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆ ਮਾਂਜਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਿਆ ਮਾਂਜਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆ ਮਾਂਜਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਮਾਂਜ ਕੇ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਟੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਓਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਰੱਬ ਕੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ, ਹੋ ਤੁਮੜੀ ਕੜੂ ਨਿਤ ਆਸ ਰੱਬ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ,
महाराज कृपा करो, गरीब के सिर से हाथ रखियो, नहीं दीप मंग की मंगदा। महाराज मैं छोटा हुंदा सी, मेरी मां मैं गुरु रामदास दर ते खड़िया करती सी, गुरु रामदास चरण की बेनती करिया करती सी, गुरु रामदास कृपा करो मेरे पुत्र की प्रीति तेरे चरणा नाल पै जावे, ते गुरु रामदास जी कृपा करो मेरे पुत्र की प्रीति तेरे चरणा नाल पै जावे, मेरी मां ये अरदासा करिया करती सी, कृपा करो महाराज मेरी प्रीति सचमुच पक्की प्रीति गुरु रामदास दे चरणा नाल पै जावे, पक्की प्रीति। गुरु रामदास जी जो ये बेनती की, मेरी गुरु रामदास के चरण पक्की प्रीति पै जावे, गुरु गोबिंद सिंह मर हो टुट पे कलगी धर दे टुट पे उड़, कहते हो दीप पुत्र तेरा प्रेम वेख के, तेरी मां दी अरदासां दे सदके, तेरा प्यार देख के, जो संगत झूठे बर्तन की सेवा कर दो प्रेम देख के, जा तेरे नाल वचन करदे आं, गुरु रामदास दे घर नाल तेरी इहो जी प्रीति पवेगी, इहो जी प्रीति गुरु दे नाल पवेगी, तेरी सतगुरु दे नाल इहो जी प्रीति पवेगी, इहो जी प्रीति पवेगी, उह तां नालो सीस तां अलग हो जावेगा पर प्रीति नहीं टुटेगी, तेरी घर दे नालो सीस जुड़ा हो जावेगा पर यह प्रीति नहीं टुटेगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़िया ही खुशियां दित्तियां।